सिर्फ एक अकीदत का मार्च होता है, जिसको आप आस्था का मार्च बोलो, जिसको आप अकीदत का मार्च बोल लीजिए। हम अपने घरों से निकलते हैं फरोशी पढ़ते हुए, सलाम सलाम पढ़ते हुए, और अंग्रेजन स्कूल में जाकर उसका समापन हो जाता है। जिस तरह पहले होता रहा उस तरह आज भी होगा। पहले जनता मौलाना साहब के साथ थी, आज हजरत जनता के साथ है। प्रशासन बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ले कि जो जनता का फैसला होगा वही मौलाना साहब का फैसला। अगर जनता बोले हुए जुलूस निकलेगा तो जुलूस निकलेगा। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि देखिए कोई भी गतिरोध, कोई भी उसमें रुकावट पैदा करने की प्लीज कोशिश न करें, क्योंकि अगर शहर का माहौल बिगड़ता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले जवाबदार प्रशासन होगा। आप हमारे ऊपर लाठियां बरसाएं या गोलियां बरसाएं, हम तो जुलूस निकालेंगे और ये फैसला हमारा। लिहाजा मध्य प्रदेश प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि वो मुसलमानों के जज्बात को समझे, हमारे कुर्बानियों को पन्ना पलट कर देख ले कि हमने 3 साल में कितनी कुर्बानियां दी, अपने धार्मिक त्योहारों को कुर्बानियां दी, अपनी नमाजों की कुर्बानियां दी, इबादतों की कुर्बानियां दी। आपने हमारा सहयोग किया, इसके लिए हम और बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं और आपके आज भी आभारी है। अगर आप इसका एहसान जताते हो तो हम आपका एहसान बिल्कुल मानते हैं कि हमने जो छूट ली, जिस तरह से हमने तलाबियां पी, नमाजें पढ़ी, हमने कुर्बानियां दी, बेशक इसमें कोई शक नहीं, मगर ये त्योहार जो है अब कोरोना से बाहर है। ये कोरोना के जिनको आप प्लीज राजनीतिक डब्बी के अंदर बंद कर दो हमेशा के लिए, और कोरोना का बहाना अब नहीं चलेगा। लिहाजा पूरी तरह से मुसलमानों अपनी तैयारी रखो जुलूस निकालने की, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। यही हमारा फैसला है और यही आने दिनों में, आने वाले दिनों में भी ये फैसला कायम रहेगा। लिहाजा मेहरबानी करके प्रशासन से गुजारिश है कि हमारे इस निर्णय को सम्मान में, आदर में, और प्लीज हमें अपना सवाल शांति से मनाकर जबलपुर की फिजा को पूरा अमन बना रहने दे। अस्सलाम वालेकुम।